हाउ, कैसे एक क्लब इतने सालों तक एक ही लीग को डोमिनेट कर सकती है जिससे कि दूसरी टीम दिखे ही ना। दोस्तों वेलकम, आज हम बात करने वाला बायर्न म्यूनिख के बारे में। अगर आप चैनल या इस वीडियो पर नए होंगे, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हो, एंड तक जरूर देख रहे हो, और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, बेल नोटिफिकेशन दबा कर जाना। बुंडेसलीगा और बायर्न म्यूनिख की कहानी डेट्स बैक टू 1903, बट यहाँ पर एक एमेच्योर लीग फॉर्म हुई थी। 50 ईयर्स लेटर यहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग के बाद बुंडेसलीगा फॉर्म हुई, जिनमें 16 टीम्स थी। एक्सपांशन का नजरिया था इनका कि और टीम्स को लाया जाए, बट जो असली सीजन था वो 1963-64 सीजन से चालू हुआ था, और वहां पर 16 टीम्स में से आपको ताजुक होगा जानकर बायर्न म्यूनिख नहीं थी। दो सीजन बाद 1965-66 सीजन में बायर्न म्यूनिख प्रमोट होकर बुंडेसलीगा में आई थी, और 3 साल बाद दे वर द चैंपियंस, द कर्टेसी द एक्सिस, द वर्ड That defines the three greatest Bayern players to ever wear their shirt. Gerd Müller, Franz Beckenbauer and Sepp Maier, all at the peak of the power. बट अगर मैं जर्ड मुलर और फ्रांस बेकेनबावर की इन पर्टिकुलर में बात करूं, तो 1969 से 1976 तक सिर्फ एक ही ऐसा सीजन था जहां पर ये दोनों ही एक बैलून डी'ओर पोडियम में नहीं आए थे। या तो इनमें से एक होता था बैलून डी'ओर पोडियम में, या तो ये दोनों ही होते थे। बट अगर मैं सेप मायर की बात करूं, तो गोलकीपर तो, और आपको पता है गोलकीपर को कितना मुश्किल होता है बैलून डी'ओर के पोडियम में जाना या फिर जीतना। और उनमें से मुलर विनिंग इन 1970 और बेकेनबावर ने 2 बार जीता था, 1972 एंड 1976। और जिन्हें पता नहीं, फ्रांस बेकेनबावर एक स्वीपर सेंटर बैक थे, जो कि तब बहुत नया नया टर्म था और नया नया पोजीशन था खेलने के लिए, जिसने रेवोल्यूशनराइज किया एक सेंटर बैक पोजीशन को। एंड हु कैन फॉरगेट जर्ड मुलर, द टॉप स्कोरर ऑफ बुंडेसलीगा टिल नाउ। 1965 से 1979 तक खेला उन्होंने बुंडेसलीगा में, विद 427 अपीयरेंसेस एंड 365 गोल्स। सेप मायर ने एक भी बार बैलून डी'ओर पोडियम में फिनिश तो नहीं किया, बट वो 3 बार जर्मन प्लेयर ऑफ द ईयर से नवाजे गए थे। द फर्स्ट 7 सीजन ऑफ बुंडेसलीगा, 7 अलग अलग विनर्स थे। कंपटीशन की बात करो, ये रहा कंपटीशन। और थोड़े बहुत क्लब इमर्ज भी होकर आ रहे थे, बोरुशिया मोंचेनग्लैडबैक, बोरुशिया डॉर्टमुंड, हैमबर्ग, और इसके साथ साथ ऐसे पैचेस भी आ रहे थे जहां पर डोमिनेट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, बोरुशिया मोंचेनग्लैडबैक के इतना डोमिनेशन था कि वो एक कुछ ऐसा पैच आता जहां पर 3 लीग टाइटल्स रो में जीत गए थे, इन अ रो। बट अगर आपको डोमिनेशन जानना है, तो बुंडेसलीगा के कुल मिलाकर अभी तक 58 सीजन हो चुके हैं टिल डेट, और बायर्न ने उनमें से 30 जीते हैं, 25 मोर देन सेकंड एंड थर्ड, जो है बोरुशिया डॉर्टमुंड एंड बोरुशिया मोंचेनग्लैडबैक। 5 टाइटल है उनके पास, और ये बात को इससे एक्युमुलेट कर लो कि उन्होंने अभी अभी 10 इन अ रो एक डेकेड लीग टाइटल जीतते हुए बिताया है। और अपनी कंट्री में वो सबसे ज्यादा यूरोपियन सक्सेस पाने वाली टीम भी है 6 UCL के साथ। सेकंड पर आते हैं बोरुशिया डॉर्टमुंड, जो कि है 1, और हैमबर्ग जिनके पास 1 ही है। हाउ इज दिस काइंड ऑफ डोमिनेंस पॉसिबल? द रीजन इज मनी एंड स्टेचर। पहले बात करते हैं मनी के बारे में। बायर्न आर वन ऑफ द मोस्ट यूनिक केसेस इन द वर्ल्ड फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं 2020 की बात करूं, दे अनाउंस दे हैव अर्नड प्रॉफिट फॉर 20 कंसेक्यूटिव इयर्स, और ड्यूरिंग कोविड भी उनका यही हाल था कि उन्होंने लॉस में ज्यादा नहीं गए थे। अब यहां में कुछ और क्लब की बात करूं, थोड़े बहुत डिफरेंट क्लब्स की बात करूं, वो यहां पर बैंकक्रप्ट हो जाते हैं या रेलेवेंसी से ही मिट जाते हैं। और इसका एक रीजन उनके स्पॉन्सरशिप, कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप भी है। फॉर एग्जाम्पल, इन 2005 बायर्न ने लोन लिया था 346 मिलियन यूरोस का 25 ईयर्स के लिए, बट यहाँ पर ये लोन इन्होंने 2014 में ही पूरा चुका दिया, 16 ईयर्स अर्ली। और ये जो लोन लेते हैं, ये ट्रांसफर्स के लिए भी नहीं लेते हैं, अनलाइक बिगर क्लब्स अराउंड। और ये जो इनके टीवी राइट्स हैं, वो भी सोचो कितने कम है, उसके बाद भी इनके पास इतने अच्छे प्लेयर्स आते हैं, बेस्ट प्लेयर्स आते हैं। आपको मैं एक जिस्ट देता हूँ, ठीक है, 2020 में शेफील्ड यूनाइटेड की जो अर्निंग थी ना टीवी राइट्स से, वो थी 91 मिलियन पाउंड्स, और ऑन द अदर हैंड बायर्न जिसने बुंडेसलीगा जीता था, उनको सिर्फ मिले थे 90 मिलियन पाउंड्स। अब बायर्न एक ग्लोबली नोन क्लब है, आज के डेट में सबको पता है कि बायर्न है कौन, बट यहाँ पर ये पहले नहीं था। बायर्न जर्मनी में बहुत बड़ा नाम है, बट अगर मैं वर्ल्ड में बात करूं, तो चुनिंदा ऐसे क्लब है जिन्हें जाना जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, FC बार्सिलोना, ये बहुत पॉपुलर क्लब है। अब बायर्न इसकी ओर बढ़ रही है, फॉर एग्जाम्पल चाइना में गए, वो अपनी ब्रांचेस बढ़ा रहे हैं अपनी क्लब की, और उसके साथ साथ उनकी पॉपुलैरिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उनकी ब्रांड बिगर से और बिगर और उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बट ये क्वेश्चन तो तुम्हारे दिमाग में आ ही गया होगा कि बायर्न इतना पैसा तो खर्चा करती नहीं है, बट फिर इनके पास इतने टॉप टैलेंट्स आ कहां से जाते हैं? इन्फ्लुएंस। अगर आप जर्मनी में रहते हो, और मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आप जर्मनी में रहते हो, आप एक यंग टैलेंट हो, और आपके दरवाजे पर बायर्न आती है, बोरुशिया डॉर्टमुंड, मोंचेनग्लैडबैक और बहुत सारी टीमें आती है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है, आप किस क्लब को चूज करोगे? बायर्न म्यूनिख
ये इसीलिए क्योंकि बायर्न जर्मनी में हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा क्लब है और सबसे ज्यादा फैंस जर्मनी में बायर्न म्यूनिख के है और बायर्न एक्सपर्ट पोचर्स भी है। वो कंपटीशन नहीं रखते, कंपटीशन छीन लेते हैं। वो अपने राइवल क्लब से सीधे प्लेयर्स ले लेते हैं जस्ट बिकॉज उनके पास वो पुल पावर है कि वो प्लेयर्स को खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैट्स हमल्स, रॉबर्ट लेवेंडोस्की। और रॉबर्ट लेवेंडोस्की कितने फीस में आए थे पता है? निःशुल्क फ्री में आए थे फ्रॉम बोरुशिया डॉर्टमुंड टू बायर्न म्यूनिख। अब आपको ये लग रहा होगा क्यों ना छोटे क्लब्स को इन्वेस्टमेंट दी जाए, एक कतारी ओनर लाया और उनको इन्वेस्टमेंट दी जाए, उनको कंपीट कराया बायर्न म्यूनिख से बुंडेसलीगा में। बट ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज ऑफ द 50+1 रूल। अब 50+1 रूल इंप्लीमेंट ये कर सकता है कि आपके साथ साथ आपका फैन भी एक ओनर है क्लब का। अब जो बोर्ड डिसीजन लेती है क्लब्स में उनमें भी फैंस का से होता है बुंडेसलीगा के क्लब्स में, जिसकी वजह से फैंस को लगता है वो इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से आपको दिखता है कि बुंडेसलीगा में एवरेज अटेंडेंस एज कंपेयर टू अदर लीग्स बहुत ज्यादा होती है और जिसकी वजह से आपके बाहरी इन्वेस्टमेंट जो होता है आउटसाइड इन्वेस्टमेंट वो एक्सट्रीमली लिमिटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 51 तो आपके पास रह गया, अब 49% होगा कोई आउटसाइड ओनर के पास, बट उसको उतना पैसे भी नहीं मिलेंगे ना। अगर वो पूरा क्लब ओन करेगा उसको कंपेरेटिवली ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो 49% भी क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा आप में? इसकी वजह से बहुत से क्लब्स हैं जो पैसे से वंचित हैं। और लूपहोल्स कहां पर नहीं होते? इन 2009 रेड बुल जो ड्रिंक्स नहीं बनाते, हाँ वही, उन्होंने क्लब खरीदा आरबी लाइप्ज़िग नाम का और जर्मन फिफ्थ डिवीजन में खेलने लगे। बट फिफ्थ डिवीजन में ऐसे कुछ रूल्स या रेगुलेशंस नहीं थे इन्वेस्टमेंट के, तो यहाँ पर इन्हें एक लूपहोल मिल गया। और बाय 2017 आरबी लाइप्ज़िग ने सेकंड फिनिश किया इन द बुंडेसलीगा। तो लूपहोल्स तो है, बट जब बायर्न आपके सामने हो लूपहोल्स भी आपको बचा नहीं सकता। उपमेकानो को उठा लिया, उसके साथ साथ नेगल्समैन को भी उठा लिया और उनकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट होती है फॉर परफेक्ट प्लेयर्स। राइट बैक पर किमिच ने जब शिफ्ट किया था इन द सीडीएम रोल, इन्होंने पवार लाया। फ्रैंक रीबरी और आरएन रॉबिन को इन्होंने सर्ज गनाब्री और लीरॉय साने के साथ रिप्लेस किया है और उनके पास कोमान भी है, भूले नहीं। थॉमस मुलर को ये जमाल मुसियाले के साथ रिप्लेस करने वाले हैं, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स। और यहाँ पर बायर्न की स्काउटिंग बहुत तगड़ी है जिसकी वजह से उनको प्लेयर ढूंढने में तकलीफ नहीं होती है। बट जो मैंने तुम्हें फाइनेंस स्ट्रक्चर बताया ना वो सही नहीं है, जैसे प्रीमियर लीग का। प्रीमियर लीग में थोड़ी बहुत इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो हो ही जाते हैं टीवी राइट, बुंडेसलीगा में नहीं है। बुंडेसलीगा में सबसे ज्यादा जिसका अटेंडेंस होता है, सबसे ज्यादा जिसके मैचेस देखे जाते हैं प्रीवियस 5 ईयर्स में, उनको ही सबसे बड़ा चंक मिलता है। और यहाँ पर कौन आता है? बोरुशिया डॉर्टमुंड, बायर्न म्यूनिख। और सबसे बड़ा चंक किसका होता है? बायर्न म्यूनिख का। फॉर एग्जाम्पल एक टीम जिसने 18 फिनिश किया था उन्हें सिर्फ 30 मिलियन यूरोज मिले थे, सिर्फ 30 मिलियन यूरोज। बट अगर तुम्हें ये निकालना है इसे तो बहुत टाइम लग जाएगा और सबसे लास्ट में जाकर 50+1 रूल निकलने वाला है, क्योंकि वो जर्मनी को डिफाइन करता है, जर्मन फैंस को डिफाइन करता है। दोस्तों आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे करते हैं डोमिनेट एक फुटबॉल लीग को। अगर पसंद आई हो अपने दोस्तों तक, फुटबॉलिंग दोस्तों तक जरूर शेयर करना भूलना नहीं, लाइक करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, बेल नोटिफिकेशन दबा देना। मिलूंगा अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद।